Hello everyone, this is me, Maha, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video lecture, we are going to discuss summary for Unit 10, which ka naam hai, the world is too much with us and it's a poem. So let's move on to the summary of the poem. This poem William Wordsworth ne hai. Jaisa aap ko pata hai, William Wordsworth is nature ka poet nature. वो नेचर पे पोम्स लिखता था उसके ज़्यादातर वर्क्स जो हैं वो नेचर पे होते थे उसके अप्रिसिएशन पे होते थे जैसे कि हमने टेंथ ग्रेड में डेफोडिल्स पढ़ी थी उसकी पोम वो भी नेचर पे थी सो so, इस पोएम में एक्चुअली वो लेमेंट कर रहा है उसका टोन जो है वो मोनफुल है ही इज़ सैड एंड डिप्रेस्ड किस चीज़ पे? करंट सिचुएशन जो वर्ल्ड की चल रही है उसको देखते हुए इफ़ यू लुक एट आर सेल्स वी आर टू मच इन्डॉल्व इन वर्ल्डली अफ़ेयर्स हम लोग के दिमाग में हर वक्त ये चल रहा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाना है और उस पैसे को कमा के उसको फिर स्पेंड कैसे करना है लगाना कैसे है और हार्ट इज़ फिल्ड विद ग्रीड और हार्ट इज़ फिल्ड विद ग्रीड फॉर मनी एंड पावर हम लोग बस ये सोच रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार हमें किस तरीके से मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा मनी हमें किस तरीके से मिलेगा वी आर रनिंग आफ्टर मटीरियलिज़म हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और अपना टाइम इस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं पोइट कहता है कि हमें गॉड ने इमेंस पावर दी है और उस पावर को हम वेस्ट कर रहे हैं हमें गॉड ने एक हार्ट दिया है जो कि ह्यूमन को ट्रू मीन्स में ह्यूमन बनाता है और उस हार्ट को हमने किन चीज़ों से फिल कर लिया है मटीरियलिस्टिक चीज़ों की ख्वाहिशात से ग्रीट से फ़िल कर लिया गया है अब इसको हम हार्ट को जो एक ब्लेसिंग थी उसको हम सोडिड बून कहेंगे सोडेड बून ये दो ऑपोजिट चीज़ें हैं जिसको पोइट ने यूज़ किया है एक साथ तो ऐसी चीज़ों को जब दो ऑपोजिट आइडियाज़ एक साथ आ रहे हो उसको पैराडॉक्स कहते हैं सोडिड का मतलब होता है कोई चीज़ लाइकेबल ना हो घटिया हो और बून का मतलब होता है ब्लेसिंग तो एक ऐसी ब्लेसिंग जो कि अच्छी ना हो मीन्स दीज आर टू ऑपोजिट थिंग्स राइट तो हमारा हार्ट अब एक सोडिड बून है क्योंकि इसके अंदर अब नेचर का लव नहीं है बल्कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों का लव है वी हैव बिकम होल फ्रॉम आर हार्ट एंड फ्रॉम आर ब्रेन इन चीजों को लेमेंट करने के बाद इन चीजों पे अपनी सैडनेस एक्सप्रेस करने के बाद पोइट जो है कुछ चीजों को नेचर के कुछ एस्पेक्ट को मेंशन करता है और कहता है कि ये एस्पेक्ट्स हमारी कंटेम्पलेशन मांगती है हमारी रिफ्लेक्शन मांगती है कि हम इनके बारे सोचें इनको ऑब्जर्व करें तो पहला एस्पेक्ट कौन सा आता है सी का पोइट सी को किस तरीके से पोएम में डिस्क्राइब कर रहा है एज़ अ फीमेल एंटिटी पोइट कहता है कि सी जो है एक फ़ीमेल एंटिटी है जो कि अपनी ब्यूटी को अपनी खूबसूरती को बेयर करती है और उस खूबसूरती में फिर मून का जो रिफ्लेक्शन है वो झलकता है इस तरीके से उसने एक नेचर की ब्यूटी को एक्सप्रेस किया है फिर पोइट बात करता है विंड के बारे में कि विंड जो है दिन के टाइम हाउल कर रही होती है हाउल कौन सी चीज़ें कर करती हैं बुल्फ्स करते हैं या डॉग्स करते हैं जब वेंट बहुत तेज चल रही होती है तो वो हाउलिंग साउंड्स प्रोड्यूस कर रही होती है पर जैसे ही रात होती है तो वो ही वेंट काम हो जाती है तो दिस इज़ अ नेचर्स प्रोसेस जिस चीज़ को पोइट अप्रिशिएट कर रहा है विंड जब काम हो जाती है तो उसकी कामनेस इसको पोइट ने किस चीज़ से कंपेयर किया है स्लीपिंग फ्लार से जब फूल सो रहे होते हैं जिस तरीके से वो काम होते हैं उसी तरीके से विंड भी काम हो जाती है पोइट सेज़ वी हैव बिकम डिटैस्ट फ्रॉम नेचर हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं हम नेचर से अब हारमनी में नहीं हैं हम नेचर से आउट ऑफ ट्यून होते जा रहे हैं हम नेचर से किस तरीके से दूर होते जा रहे हैं क्योंकि अब हमारे दिल में नेचर के लिए अप्रिसिएशन नहीं है हम इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं अब पहले स्टेंसा में पोइट ने अपने सारे कंप्लेंट्स की है अब दूसरे स्टेंसा में पोइट इन कंप्लेंट्स का सॉल्यूशन देगा खुद से ही पोइट अब मॉडर्न वर्ल्ड से इस्केपजम चाहता है मॉडर्न वर्ल्ड से डिटैच होना चाहता है दूर होना चाहता है पोइट कहता है कि एज एन इस्केपिज़्म मैं चाहता हूँ कि मैं पेगनिज़्म में चले जाऊँ पेगनिज़्म क्या होता है पेगनज़म क्रिस्चैनिटी के अपोज़िट एक रिलीजन है जिसमें मल्टीपल गॉड्स को वर्शिप किया जाता है इनके रिलीजन में हर चीज़ के लिए गॉड होता है थंडर का गॉड होता है हेल का होता है हेवन का होता है पावर का होता है तो पोइट अब चाहता है कि वो एक पेगन बन जाए फिर पोइट कहता है कि इसकी रीज़न क्या है वो चाहता है कि वो एक ग्रासी लैंड पे खड़ा होकर नेचर को अप्रिशिएट करें क्योंकि आजकल के लोग वो कहते हैं इतने ज़्यादा इनसेंसिटिव हो गए हैं नेचर की तरफ एंड दे आर टू मच इंडल्फ इन वर्ल्डली अफेयर्स के उनके पास टाइम नहीं है कि वो नेचर को देखें ऑब्जर्व करें उन उसकी ब्यूटी को समझें और अप्रिशिएट करें जैसे कि वर्ड्स वर्थ करता है तो वो ये खुद करना चाहता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं सी को इतनी देर तक ऑब्ज़र्व करूँ और देखता रहूँ इस होप में इस विश के साथ के उस सी में से मुझे प्रोटियस मिलने आएगा प्रोटियस ग्रीक मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक प्रोफेटिक एंटिटी थी प्रोफेटिक एंटिटी मतलब कि वो प्रोफेसी देता था मतलब फ्यूचर के बारे में बताता था कि आपके साथ आने वाले फ्यूचर में क्या होगा साथ ही साथ वो सारी वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करता था और सारी एकटिक लाइफ को गार्ड करता था तो वो ये विश करता है वर्ड्सपर्थ ये विश करता है कि वो प्रोटियस से मिलेगा और इसके बाद उसकी विशिंग जो है वो कंटिन्यू होती है और वो कहता है कि प्रोटियस के बाद मैं ये भी विश करता हूँ कि एक दिन मैं ट्राइटन से मिलूँगा ट्राइटन कौन था ट्राइटन भी सी का गॉड था और पसाइडन जो कि सी का गॉड था उसका बेटा था तो वो ये चीज़ें किस लिए विश कर रहा है कि नेचर से और करीब हो जाए अब करंटली हमें देखा जाए तो हम लोग भूल चुके हैं कि नेचर में मेडिटेट कैसे करते हैं हम लोग इनसेटिव हो चुके हैं नेचर अब हमारे लिए कोई चाड़ नहीं रखती है इन अ वे हम नेचर को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं वर्ड्स वर्थ ऐसा नहीं करता था दैट्स वाई उसने टाइटल में भी टू का वर्ड यूज़ किया है कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस मतलब कि इतनी ज़्यादा हम वर्ल्ड को अपने साथ लेके चल रहे हैं इट इज़ टू मच